के बाद उनके साथ जाते हैं। ऐसे में हिंदू धर्म शास्त्र गरुड़ पुराण की माने तो उन्हीं कर्मों के आधार पर मनुष्य को उसका अगला जन्म मिलता है। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ कर्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको करने के बाद आपको कुत्ता, सुअर, हिजड़ा इन जैसी योनियों में अगला जन्म मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे पहला कर्म मित्रों से छल करना है। दोस्तों, धरती पर मित्रता को एक अनूठा रिश्ता माना गया है। मित्रता के लिए कुछ लोग अपनी जान तक दे देते हैं, भले ही उनका मित्र बुरा काम ही क्यों ना कर रहा हो। वहीं आज कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो अपने हित के लिए अपने मित्र को धोखा देने यानी छल करने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसे मनुष्य के लिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई मनुष्य अपने सच्चे मित्र के साथ छल कपट करता है तो मरने के बाद उसे नरक तो जाना पड़ता ही है, साथ ही उसका अगला जन्म एक गिद्ध जैसी योनि में होता है जो सड़े गले जानवरों का मांस खाकर जीवित रहते हैं। दूसरा, मित्रों संसार में कई पुरुष हैं जो स्त्रियों का सम्मान करते हैं, लेकिन कई ऐसे पुरुष भी आपको देखने को मिल जाते हैं जो प्रत्येक स्त्री को बुरी नजर से देखते हैं और उनके मन में हर समय काम वासना ही बसी रहती है और उन्हें लगता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। ऐसे लोगों के संबंध में गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद अगले जन्म में इनको गधे की योनि प्राप्त होती है। इसके अलावा स्त्रियों के संबंध में गरुड़ पुराण कहता है कि जो स्त्री व्यभिचारिणी होती है अर्थात पराये पुरुष के साथ संबंध बनाती है उसका अगला जन्म छिपकली या फिर एक चमगादड़ के रूप में होता है। गरुड़ पुराण में चौथा कर्म धर्म का अपमान करना बताया गया है। मित्रों, जीवित रहते हुए कई लोग अपने धर्म का सम्मान नहीं करते और दूसरे जो अपने धर्म का सम्मान करते हैं उन्हें ढोंगी बताते हैं। ऐसे लोग ना तो भगवान पर और ना ही किसी धर्म पर विश्वास करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद इन्हें नरक में सजा तो मिलती ही है, साथ ही उनका अगला जन्म एक कुत्ते के रूप में होता है। पांचवा, मित्रों अन्नदान को हमारे धर्म में सबसे बड़ा दान माना गया है। जो व्यक्ति अन्नदान करता है वह ना सिर्फ जीवित रहते हुए अपितु मृत्यु के बाद भी स्वर्ग पाता है। वही मित्रों ऐसे लोगों की भी भरमार है जो अन्न की चोरी करके लाभ कमाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों का अगला जन्म छचुंदर या फिर एक चूहे के रूप में होता है। छठा, मित्रों अगर आपके घर के द्वार पर कोई किन्नर आता है तो उसे कुछ कर देना चाहिए और कहना चाहिए फिर आइएगा, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किन्नरों का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें नीचता की दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसे लोगों को शास्त्र के अनुसार अगला जन्म एक किन्नर के रूप में मिलता है और ऐसा ही अपमान सहना पड़ता है। सातवां कर्म, अपनों का अनादर करना। मित्रों, मनुष्य बिना परिवार के नहीं रह सकता और खासकर माता पिता और गुरुओं के बिना तो मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास ही नहीं हो सकता। परंतु आपने भी देखा या सुना तो होगा ही कि आजकल अधिकतर मनुष्य माता पिता तो छोड़िए अपने गुरुओं का भी सम्मान नहीं करते। तो गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे मनुष्य का बार बार जन्म तो होता है किंतु लाख कोशिश करने के बाद भी वह अपनी माँ के गर्भ से बाहर नहीं आ पाते, अपितु गर्भ में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। मित्रों, इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा नहीं करता तो उसकी इस जन्म में तो छवि खराब होती ही है, साथ ही मृत्यु के बाद अगले जन्म में उसे बैल की योनि प्राप्त होती है। इन कर्मों के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हों। परंतु फिर भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपशब्द कहने से बाज नहीं आते और छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के बाद ऐसे लोग अगले जन्म में बकरे की योनि में जन्म लेते हैं और कसाई के हाथों मारे जाते हैं। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि आप इन कर्मों में से ऐसा एक भी कर्म नहीं करेंगे। और अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने के साथ साथ अपने मित्र और परिवारों के साथ शेयर जरूर करें।